नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों ने ऐसा बोला था जो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूं और मुझे चाहिए कि पूरी दुनिया का प्यार मिले। मुझे ट्रैवल किया हम लोगों ने 18 सिटीज। यार मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ कि इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बेकाबू इतना अच्छा चल रहा है। इंस्पेक्टर अविनाश को 3 दिन हुए हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ, मुझे इतने समय से इच्छा थी कि मैं देखूँ इंस्पेक्टर अविनाश, लेकिन मैंने सिर्फ अभी तक उतना ही पार्ट देखा है जितना फैंस ने जो इंस्टाग्राम पर डाला है। हाँ, जहाँ से मैं कूद रहा हूँ और जो भी सरदार लुक है, बलजीत का जो लुक है, वो जो सीन्स हैं या वो जो गाना, आई थिंक कल के एपिसोड में गाना आया है तो वो भी मैंने देखा है, मेरा वाला जो गाना है। सो आई एम रियली हैप्पी और बहुत अच्छा लगता है यार। बस पिक्चर अभी बाकी है, बहुत कुछ और करना है। हाँ, नहीं बिल्कुल प्रेशर नहीं है यार। मैं प्यार का बहुत भूखा हूँ और मुझे चाहिए कि पूरी दुनिया का प्यार मिले मुझे। तो मैं ऑल आर्म्स सारे, मतलब बाहर खोल के मैं सारे सबसे प्यार लेने के लिए तैयार हूँ। सो बहुत अच्छा लगता है यार। क्या हाँ, मैं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों ने ऐसा बोला था जो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने कहीं पर बताया नहीं था। मैं 1.5 साल तक मैं किसी से नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो रोल की ऐसी डिमांड थी। जो बलजीत का कैरेक्टर है वो ऐसा कैरेक्टर है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा संजीदा कैरेक्टर है, अल्कोहलिक है, जो अब अल्कोहल छोड़ चुका है और उसके विड्रॉल्स हैं, उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, वो एक कॉप है। तो वो रोल इतना ज़्यादा मेंटली डिमांडिंग था कि मैंने 1.5 साल कट ऑफ कर दिया था। वो दाढ़ी भी मैंने सबसे मिलना बंद कर दिया था, दाढ़ी भी मैंने ओरिजिनल उगाई कि वो एक्चुअली फील आए वैसा। तो उस दौरान जब वो 1.5 साल तक मैं कहीं नहीं दिखा, तो लोगों को ऐसा लगा कि मैं कुछ काम नहीं कर रहा। मैं एक्चुअली वो शूट कर रहा था। हम लोग बहुत सिटीज़ ट्रैवल किए, हम लोगों ने 18 सिटीज़ ट्रैवल किए हम लोगों ने। तो उस दौरान जब हम वो कर रहे थे, तो तब मैंने बहुत लोगों का सुना भी कि मैं कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो अब जब आ गया और लोगों को पता चला कि अच्छा ठीक है, वो ये ऐसा था, तो अब वो हाँ वो वायरल हो रहा है कि मैं ऐसा, मैं एरोगेंस में नहीं बोलता, लेकिन मैं काम करता रहता हूँ यार, एंड आई एम हम्बल्ड अबाउट इट। यार मैं बहुत थैंकफुल हूँ यार, और इसमें क्रेडिट एक्चुअली रंजन जी को बहुत जाता है, जो हमारे डायरेक्टर हैं। हाँ नहीं, वो बहुत स्वीट हैं यार, और मैं दिल से बता रहा हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे एकता कपूर मैम जैसे प्रोड्यूसर मिली हैं, जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर, इतनी हाई वेलोसिटी क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं वो। जो वो लिखते हैं मुझे हर बार शॉक करती हैं वो। हर बार जब मुझे एक एपिसोड आता है और स्क्रीन प्ले आता है, तो मैं ऐसा होता हूँ कि अरे यार क्या लिखा है। और उसके बाद रंजन जी जो कर देते हैं, तो हमारी केमिस्ट्री भी, वो रंजन जी का पूरा क्रेडिट है यार, ऑल थैंक्स टू हिम। बट आई एम रियली हैप्पी यार। मुझे नहीं पता, मैं लोगों से मिलने आया हूँ और अच्छा लगता है लोगों से मिलना, तो मैं आई एम हैप्पी। थैंक यू सो मच यार।